कुछ अजीब सा कुछ करीब सा ये पहाड़ है मेरे नसीब सा, जहाँ कोई कश्मकश नहीं, जहाँ कोई हलचल नहीं, सिर्फ ठहराव और सुकून ही सुकून। ऐसा कि मानो थम सा गया हो सब, यही पानी यही हवा यही सब कुछ। एक ख्वाहिश थी जो आज मुकम्मल हो गई है। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो हम जा रहे हैं अपनी भाई की गाड़ी में। तो ये सामने चतराड़ी है जहाँ पे हमने माँ शिव शक्ति का मंदिर बताया आपको और उसके बारे में बताया। तो अब ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, हम आपको लेके जाएंगे टॉप हिल पे। तो आइए चलिए। चुके हैं जहाँ पे जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है, तो यहाँ तक गाड़ी पहुँचती है अब इसके आगे हम तो बढ़ते हैं अपने ट्रैक की तरफ। मेरे साथ है आयुष और अविनाश भैया जो NSUI के वाइस प्रेसिडेंट है। तो चलो मिलते हैं अब आगे। एक ख्वाहिश थी जो आज मुकम्मल हुई है, शायद जिंदगी जीने की एक नई वजह मिली है, और तमाम उम्र जो वफा हमने मोहब्बत में तलाशी वो आज इन्हीं पहाड़ों से मिली है। सो गाइज ये थी कुछ लाइनें। हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल बंटी हिमाचली। तो आज हम जा रहे हैं छतराड़ी के टॉप हिल्स पे, वो जहाँ से हम आपको टू रेंजेस दिखाएंगे, धौलाधार और पीर पंजाल। तो आइए चलिए। सो गाइज ये ट्रैक स्टार्ट होता है छतराड़ी नाम के गांव से जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये गांव जिसको हमने एक्सप्लोर करा। तो आइए चलिए ब्लॉग में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी हम कम से कम 4 किलोमीटर आ चुके हैं, तो देख सकते हो आप कितना खूबसूरत ये नज़ारा। मेरे साथ है मेरे भैया और आयुष। तो आज हम देखते हैं कहाँ पे स्टे कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। हम के 6 बज रहे हैं, तो देखते हैं हम कैंपिंग साइट तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो ब्लॉग में बने रहे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सामने देख सकते हो कितना खूबसूरत सनसेट अभी। तो ट्रैक का रास्ता कुछ इस तरह सा है, इजी है, जो भी पास से भी इजी है, मनीमहेश से भी इजी है, बट यहाँ की जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है। तो जहाँ तक मैंने फ़ोटो और वीडियोज़ में देखा था वहाँ तक तो बहुत खूबसूरत है, बाकी आपको आज ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप व्यू को देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए चलिए। मेरे दोस्त आप देख सकते हो कितनी दूर पहुंच गए हैं, तो मैं ब्लॉक के चक्कर में बहुत पीछे रह रहा हूँ। तो आगे हमें कोई मिला है सही। ये जिंदगी जो तेरी खुद ब खुद अपना सर झुकाए, बस यही गुजारिश कर रही है कि आ और भर ले मुझे अपनी बाहों में। सुकून की खोज में बस यूं ही पहाड़ों पे चल दिए थे, खैर अब तो पीठ पे लिया बस्ता भी भारी नहीं लगता।
जब ख्वाहिश मंजिल देखने की होती है। तो गाइस आप देख सकते हो हम कहां पहुंच चुके हैं भील पे। तो आप देख सकते हो ये सामने धौलाधार है और ये सामने पीर पंजाल है। तो धौलाधार और पीर पंजाल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। धौलाधार के दूसरी साइड धर्मशाला लगता है और पीर पंजाल की दूसरी साइड J&K पड़ता है। तो पीर पंजाल की दूसरी साइड J&K पड़ जाता है और धौलाधार के पीछे धर्मशाला पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है, हम आपको मैप में दिखाएंगे। ये सेटेलाइट मैप्स के जरिए आपको बताते हैं। अभी हम मरौड़ जंगल हैं, ये जो कि छतराड़ी के ऊपर है बिल्कुल, और उसके बाद ये जैनतरा लग पड़ा, उसके बाद कार्तिक स्वामी का टेंपल है जहाँ पे हमारा नाइट स्टे होगा, और प्यूरा उसके जहाँ पे उसके बाद तो जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं वो अभी तक कम से कम आधा घंटे का ट्रैक है जहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो उसके आगे है ये लम्डल लेक लग पड़ी आपकी सारी, बहुत जल्द जाएंगे हम लम्डल। सेवन लेक्स का ट्रैक है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। और उसके बाद ये मैक्लोडगंज लग पड़ा, ये मैक्लोड। तो इस तरह का ये मैप में हमने आपको बताया है। तो बढ़ते हैं अब अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। तो आप पीर पंजाल के व्यू को एंजॉय कर सकते हो, देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो मिलते हैं अब आगे, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे रास्ते में रुक गए हैं, शायद आगे भालू हो सकता है, तो हमें थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। आवाज़ भी आ रही है। तो आप व्यू को देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो मिलते हैं। सुबह जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया क्या हुआ? तो आगे बहुत साउंड आ रही है किसी जानवर की, माचिस तो रहे। तो हम आगे शायद दी जा सकेंगे, देखते हैं कहाँ पे है। ये हमने जाना था आगे जहाँ तक मंदिर था, तो हम वहाँ तक नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए भैया? क्योंकि भालू था आगे, फिर उसकी आवाज़ आ रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इस कारण हमने यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए आग जला दी थी। बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ ढूंढी है। कभी भी परिस्थिति आए तो अपनी सेफ्टी से पहले तो आग जला दे। हाँ, अगर आपको सामने से भालू दिखता है या कुछ उसकी आवाज़ आती है तो आप आग जला सकते हो। तो आग जलाने के बाद बुझा भी दें क्योंकि उससे वनों को नुकसान होगा। हाँ, तो इसलिए हमने आप आग जला ली है। तो भालू मिल सकता था इसलिए हमने ये लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं तो हमारी अपनी कैंपिंग के लिए। तो अब हम अपना सामान खोलेंगे और टेंट भी लगा लेंगे, तो देखते हैं। तो गाइस आग जल चुकी है। आग जल चुकी है, टेंट भी लग चुका है। तो इस कुछ इस तरह का ये टेंट। तो क्या करना भाई का? बस भाई टेंट लग गया, अब खाने की तैयारी कर रहे बस। तो कुछ इस तरह का हमारा सामान। तो भैया क्या कहना है? टेंट बताता हूँ मैं अंदर से आपको। भैया टेंट बता रहे हैं, कैसा टेंट लगाया भैया ने? ओ क्या ही बोले दोस्तों। खाना रेडी है हमारा, डिनर। तो क्या क्या लाए भैया? साग है, आलू है और मिर्चाई वाला हाग, खीरे हैं, मिर्चें हैं और हम खाना खा लेते हैं। तो मिल गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा। हम चाय बनाएंगे और सामने जो रेंजेस दिख रही हैं धौलाधार हैं, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हैं। तो हम जल्दी चाय पी के निकलेंगे ट्रैक पर, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस चाय बन चुकी है, थैंक यू भैया चाय बनाने के लिए।
बिया ने चाय बना दी है, तो आप सामने देख सकते हो इतनी ब्यूटीफुल व्यू। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं ट्रैक की तरफ। ओ आप देख सकते हो गाइस, हाँ हमारे पास गिलास नहीं है, तो हमने बोतल को तोड़ के कप बनाया है। तो ये हमारा कप है, इसमें चाय है, तो आप देख सकते हो। अब हम निकल रहे हैं ट्रैक की तरफ, जो कि अभी तक डेढ़ घंटे का ट्रैक है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी टेंपल, जो कि यहाँ से शुरू होता है, देख सकते हो। ये छतराड़ी के टॉप में है, एक इससे भी ऊपर मंदिर है, हम वहाँ तक जाएंगे शायद, तो ब्लॉग में बने रहें। हम आपको मंदिर दिखा देते हैं कैसा मंदिर है। तो ये मंदिर है छतराड़ी का, कार्तिक स्वामी टेंपल छतराड़ी, तो आप देख सकते कि ना खूबसूरत। और वो सामने जो रेंजेस दिख रही है, ये धौलाधार है, इसके दूसरी साइड धर्मशाला पड़ जाता है। तो और ये जो सामने दिख रही है, ये पीर पंजाल रेंजेस है, इसके दूसरी साइड J&K पड़ जाता है, कार्तिक स्वामी टेंपल छतराड़ी, जो कि छतराड़ी के टॉप है। तो आप इस मंदिर को देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, तो इन मैगी के साथ। तो भैया मिले थे हमने भैया को भी, कैसी बनी भैया? भैया को भी अच्छी लगी है मैगी। मैगी खा रहे हैं हम साग के साथ, तो कुछ इस तरह। तो आज का सफ़र हमारा यहाँ तक ही था, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।